उन सीटों पे अलायंस करना है जहां बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। मैंने सिर्फ अपनी राय रखी है, बाकी अलायंस का वहां क्या फैसला होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। जॉइंटली यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कोई कमजोर एडवर्सरी नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग एडवर्सरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जेके लिज प्राइम टाइम, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस के घटक दल अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी राय रख रहे हैं, या यूं कहें कि मनचाही सीटों की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां भी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी मनचाही सीटों का दावा करने वाले दलों पर कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रही हैं या फिर ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी कड़ी में एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान को देखा जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू में कहा कि वो उस बयान पर कायम हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 की जीती हुई सीटों को कश्मीर में बरकरार रखा जाना चाहिए, और ऐसी राय मैंने इंडिया अलायंस के सामने रख दी है। तो इंडिया अलायंस को उन सीटों पर गठबंधन करना चाहिए जहां बीजेपी को जीत की उम्मीद है, ये भी बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई। इस बयान के बाद आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर एनसी और पीडीपी के बीच खींचतान शुरू हो सकती है, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई एक पार्टी ज्यादा मांग रही है तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्रीय पार्टी जो उसके सामने है वो ज्यादा देने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। और अगर हमारा मकसद बीजेपी को हराना है तो हमें उन सीटों पर अलायंस करना है जहां बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। मैंने सिर्फ अपनी राय रखी है, बाकी अलायंस का वहां क्या फैसला होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। जॉइंटली यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कोई कमजोर एडवर्सरी नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग एडवर्सरी है। उमर अब्दुल्ला यानी एनसी और पीडीपी के जवाबी बयान के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर या फिर एनसी और पीडीपी के अंदर खींचतान शुरू हो सकती है या नहीं, क्या कह रहे हैं इस पर तमाम सियासी दल, इस जानने की हम कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए जल्दी जल्दी उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब है, सीनियर लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे बीच मौजूद है, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एडवोकेट टारिस पठानिया साहब है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बीच मौजूद है, आपका भी वेलकम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ ये इंडिया अलायंस बना हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब, लीडर हैं पीडीपी के, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। तो एनसी की तरफ से जो बयान सामने आया है उस पर पीडीपी बड़े ही मोहतात रद्द अमल का इजहार करते हुए दिखाई दे रही, महबूब बेग का आपने बयान सुना। इसके अलावा एक और खास मेहमान कांग्रेस हमारे साथ भी जुड़ने वाली है, कांग्रेस के रविंद्र शर्मा सीनियर लीडर आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मुजफ्फर इकबाल साहब मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आज जो हमने इस वक्त छोटा मोटा बयान उमर अब्दुल्ला साहब का दिखाया है और दर्शकों को सुनाया है वो दरअसल पिछले दिनों की बात है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने पहले वाले बयान पर और पहली वाली बात पर और पहली वाली राय पर कायम है। मैं जानना चाहती हूं कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर, चुनाव को लेकर एनसी ने आखिर इंडिया अलायंस के सामने राय क्या रखी है, क्या राय यही कि एनसी ने जो 3 सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में वो उन्हें ही मिलनी चाहिए। सना जी, बेसिकली उमर अब्दुल्ला उस कमेटी के मेंबर हैं जिसमें मोडेलिटीज तय होगी कि पूरे कंट्री में, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बयान नहीं था जी, बीइंग वन ऑफ द मेंबर उमर साहब ने ये राय दी थी कि पूरे कंट्री में जहां गठबंधन की सीट जिस भी पार्टी ने जीती है तो वो वही रखे, और जहां हम हारे वहां सीट शेयरिंग हो, कि नो
no negotiation on the seats over which we have our own MPs. वो पूरे मुल्क के लिए थी, वो कोई जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कोई जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थी, एक राय थी. अभी इस पर हतमी फैसला जो है वो जो कमेटी होगी पूरे कंट्री के, उसमें नुमाइंदे हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, उनके जो नुमाइंदे हैं वो बैठकर इस पर गौर व खोज होगा. एक सजेशन थी. अब इस सजेशन को कोई ये कहे कि ये कोई हतमी फैसला है तो ये हतमी फैसला नहीं हो सकता. बहरहाल ये एक उमर साहब ने राय दी और वो कहते हैं कि मैं उस राय पर आज भी कायम हूं. और उसको आप अगर एब्स्ट्रैक्ट में आप ये पर्टिकुलरली ये कहें कि इट इज विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑनली, इट इज नॉट फेयर. ये उस मीटिंग के का जो इनका सजेशन जो थी वो उस मीटिंग में दी गई थी जो दिल्ली में इनकी मीटिंग हुई थी कमेटी की जी. जिसमें सीट शेयरिंग की फर्स्ट मीटिंग हुई है दिल्ली में. तो उमर साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं. उन्होंने सजेशन ये दिया था कि भाई जहां ऑलरेडी हमारा कैंडिडेट इंडिया के अलायंस का कैंडिडेट जो जीता है जी. तो वो वही पार्टी वहां अपना कैंडिडेट रखे. जहां हमारा कैंडिडेट कोई पहले नहीं है पार्लियामेंट में तो उस पर सीट शेयरिंग होगी. तो ये एक सजेशन थी. अब इसको आप हतमी नहीं मान सकते. ठीक है, तो ये एनसी की तरफ से सजेशन थी, राय थी, जिसे हतमी फैसला नहीं माना जा सकता. एडवोकेट आदित्य साहब, एनसी ने जो अपनी राय रखी है, पीडीपी की इस पर क्या कुछ राय, क्योंकि आप दोनों तो जम्मू कश्मीर में, और ये साफ करना ये जरूरी है क्योंकि आप मुजफ्फर इकबाल साहब ने सीधे तौर पर कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिहाज से इस राय को ना देखा जाए जो उन्होंने सजेशन दिया. ये पूरे मुल्क के इंडिया अलायंस के हवाले से दिया गया सजेशन इसे समझा जाए. और हम ये जानते हैं कि पीडीपी और एनसी मध्य मुकाबल लड़ती रही है इंतखाबात में. आदित्य साहब जी नमस्कार. जी नमस्कार. ऐसा है कि देखिए, इंडिया अलायंस जो बना है उसका गोल है फॉर अ लार्जर, उसका एक लार्जर गोल है. लार्जर गोल उसका यह है कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज टू बी प्रिजर्व्ड. हम इंडिया में वो इक्वालिटी, कोई भेदभाव ना हो, वो धर्म निरपेक्ष देश बने जिसमें तरक्की हो, बेरोजगारी हम दूर करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू इंक्रीज टेक आउट द कंट्री आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर बीजेपी सरकार ने भारत को लाकर खड़ा कर दिया हुआ है. दो गोल जो है इंडिया अलायंस का, उसके अंदर हमारी जो सीट शेयरिंग है वो सब्सिक्वेंटली डिसाइड होगी ऑन दी प्रिटेक्स कि किस तरीके से दी लीडर्स हु आर पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी वो कैसे डिसाइड करते हैं. अभी हम लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि हम इंडिया अलायंस के अंदर विश्वास करते हैं. अगर मैं साइड करूं अपनी ही पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती मैडम को, तो वो शुरू से ही इस किस्म की जो पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बैठ के करती रही है, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को ट्रीट किया, जिस किस्म से उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से लोगों ने निकल के अपनी पार्टियां भी बनाई हैं, उसमें हम लोग ही फेस करते रहे हैं ये सारी डिफिकल्टी. हम लोगों का लार्जर गोल है टू ब्रिंग द कंट्री आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर बीजेपी सरकार ने रखा है. एंड फॉर दैट मैटर वी आर रेडी टू बी पार्ट ऑफ द अलायंस एंड वी आर पार्ट ऑफ द अलायंस एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द अलायंस, बट वी विल ऑब्वियसली नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आर ओन कार्डर और ग्राउंड ऑफ वेर वी लार्जर. वी हैव ऑल्सो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एक सेकेंड आदित्य साहब, अगर कोई भी, या फिर आप बात कर रहे हैं तो मैं पीडीपी की बात करूंगी, अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप जैसी पार्टियां या फिर पीडीपी तैयार नहीं होगी तो लार्जर मोटिव के लिए आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि जो एनसी ने राय रखी है कि पूरे देश में वो सीटें उन्हीं पार्टियों को दे दी जाएं जो जीत कर आई हैं या 2019 में वहां पर उनके सांसद हैं, तो क्या इस पर आप इत्तफाक रखते हैं? अच्छा, क्योंकि अभी ये राय है, अभी ये मान के चलना चाहिए, राय है, कोई हतमी फैसला नहीं. अभी क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बेसिक प्री मीटिंग हुई है जिसके अंदर किसी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पार्टी ने अपनी अपनी राय रखी है. बट दी होल आइडिया अबाउट इंडिया अलायंस इज कि इंडिया अलायंस में यही तो ब्यूटी ऑफ इंडिया अलायंस है कि इसमें सब लोग, पार्टीज आर इंडिपेंडेंट टू पुट फोर्थ देयर आइडियाज. ऐसा नहीं है कि एक आदमी लीड कर रहा है कुछ सुंगोल पकड़ के और उसके पीछे सारी की सारी दुनिया चलती जा रही है. इट्स ए मिक्सचर ऑफ आइडियाज वेयर एवरीवन अक्रॉस द कंट्री आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. एंड ऑब्वियसली जब अलायंस बनेगा तो एक आदमी छोड़ेगा, हरे को थोड़ा थोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा फॉर द सक्सेस ऑफ द अलायंस टू अचीव द लार्जर गोल. दैट इज व्हाट आई मेंट.
ठीक है, तो लार्जर मोटिव को पाने के लिए, हासिल करने के लिए थोड़ा थोड़ा सभी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, ये पीडीपी का कहना है। लेकिन इस पर आपने राय जाहिर नहीं की, अगर एनसी ये बात कह रही है तो क्या ये सही नहीं है? सीधी प्रतिक्रिया चाहेंगे, हाँ या ना? एनसी ने अपना एक माइंड अप रखा है, अपना है जी, सीधी प्रतिक्रिया चाहेंगे, हाँ या ना? अगर उन्होंने राय अपनी रखी तो क्या ऐसा होना चाहिए पूरे देश में इंडिया अलायंस के तहत? ये आप इसको दूसरी तरीके से भी पुट फोर्थ कर सकती हैं, ये तो दूसरे तरीके से, यानी सजेशन है, ठीक है, ओके, पीडीपी भी ऐसा सजेशन रख सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआती तौर पर ही कहीं ना कहीं ये अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है ये बड़े टसल के रूप में भी सामने आ सकते हैं। यही सवाल आज हम डिबेट में पूछने वाले हैं, क्या इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में, भविष्य में खींचतान कहीं ना शुरू हो जाए लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर? यही बड़ा सवाल बना है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, बिहार की अगर बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, वहां भी दावा ठोक रहे हैं नेता, जो दल हैं उनकी तरफ से नए नए दावे किए जा रहे हैं, उस पर इंडिया अलायंस के सामने एक बड़ी चुनौती बनती उभरती हुई नजर आई। लेकिन मोटिव एक है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। एडवोकेट आयुष पठानिया साहब, देखिए जो अभी तमाम चीजें चल रही है वो सिर्फ सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी को चल रही है, कोई नॉर्मल पार्टियां नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियां अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाली पार्टियां हैं जो एकजुट हुई हैं, एक अम्ब्रेला के अंडर आई हुई हैं, अंदर आई हुई हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हैं कि बीजेपी जैसी ताकत को, केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। तो मकसद सिर्फ ये है, उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं, पार्टियां जो हैं वो थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और बड़े मसले को हल हम करेंगे। तो यानी ये तमाम पार्टियां तैयार है, बीजेपी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। सना, किसी शायर ने खूब कहा है कि क्या अंदाज है बात का उनकी, दिल में कुछ और जुबान में कुछ और रखते हैं। जिस दिन से ये शीयर, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिज्म, अवसरवाद को लेके ये एक गठबंधन बना है जम्मू कश्मीर में, तो नहीं लेकिन लोग इसको पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन गैंग, गुपकार गैंग के नाम से प्रचलित था, और पूरे देश भर में ये घमंडिया अलायंस के नाम से प्रचलित है। ना इनका किसी घोषणा पत्र पे को, घोषणा पत्र में इनकी जिसे कहते हैं कोई एक सिमिलैरिटी हो, इनका प्लान ऑफ एक्शन में, इनकी विचारधारा में, इनके काम करने के तरीके में, इनके संगठनात्मक ढांचे में कोई भी इनका एक मत, एक राय, एक एक्शन हो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नफरत से कूट कूट के भरे हैं, खुद साफ हो गए हैं, अब है कि बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। भारत के राजनीतिक एक स्पेक्ट्रम से, एक राजनीतिक फील्ड से वो डर इन्हें सता रहा है, और हमने बार बार कहा सिर्फ अपने अलायंस का अभी तक नाम तय किया है, कहां कौन क्या करेगा, और अभी सीट पे ही इनकी लड़ाई हो गई, ये देश को कहां ले जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की ओर से चैलेंज करता हूं इनका कि कम आउट विद ए पैन इंडिया कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 70 वर्ष में पूरे शेष भारत में बिजली नहीं थी, आज भारत में कोई घर आपको मिलेगा नहीं बिना बिजली। लेकिन एक बात और है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है आरएस पठानिया साहब, कि ये तमाम जो विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि ये आपके साथ इन्होंने धोखा किया है और आप नफरत की राजनीति आप लोगों ने फैलाई है, तो ये भी तो बड़ी बात है ना। जब एक कोई एक पार्टी थोड़ी नहीं, 27 से 28 दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए। देश राजनीतिक स्थिरता चाहता है, देश खिचड़ी कोई सरकार या खिचड़ी गठबंधन जिसकी ना दिशा, जिसका ना आगे जाने का प्लान, ना इकोनॉमिक फ्रंट पे, फॉरेन अफेयर्स में। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, पॉलिटिक्स विकास की पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, एक स्टेबल सरकार देने में बिलीव करती है, जिसका नतीजा है कि आज भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कगार पे खड़ा है। भारत राज्य की पार्टी है और 6 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है इनके पास। इनका टोटल जो वोट शेयर है वो 38.72% एग्रीगेट शेयर। मेरा मानना जब ये इकट्ठा लड़ेंगे शेयर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो शेयर है वो सिर्फ 38% आता है, अगर आप एनडीए का लेके चले तो वो 45% आता है। तो एनडीए इनसे तकरीबन 7% ऊपर खड़ा है। अगर ये
इनका सारा वोट जिसे कहते हैं एक दूसरे के विरुद्ध लड़े, एक दूसरे के विरुद्ध वोट लिए, उस सारे वोट शेयर को अगर इकट्ठा करें तो वहां जाके खड़े होते हैं, ये उससे नीचे होंगे, मुंह के बल जिसे कहते हैं गिरेंगे। देश देश कंफ्यूज है, वोटर कंफ्यूज है, इनके लिए सो फार वोटर भी डिसाइडेड नहीं है, ये खुद भी बेचारे कंफ्यूज है। जिस वोटर को ये रिझाना चाहते हैं, इनका जो एक जो ये माहौल बनाना चाहते हैं, ये खुद कंफ्यूज है। दे कैन नॉट ऑफर एनीथिंग टू, मैं आज के वादे में पूछता हूं कि मित्रगणों ठीक है, एक अच्छा अपोजिशन, एक अच्छा गठबंधन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, लेकिन मुझे बताइए कि इकोनॉमिक फ्रंट पे आपका पॉलिसी क्या होगा, डिफेंस नीति आपकी क्या होगी, चाइना और जिसे कहते हैं नौ नेबरिंग कंट्रीज है, मेरा तो मानना नौ नहीं, नौ के साथ बाकी भी चार है, मैं उनको भी तो बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना। आदित्य साहब मैं आपका जवाब भी लूंगी, आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपसे कुछ देर पहले आप आरिस पठानिया साहब का भी जवाब दीजिएगा, साथ ही ये भी ऐड कर दूं, आपसे कुछ देर पहले जब मैंने उनसे पूछा कि एनसीए राय रख रही है, तो पीडीपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि आप तो उल्टा भी पूछ सकती हैं, यानी पीडीपी ऐसा कह सकती है, तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में ही ये लड़ाइयां कहीं ना कहीं इशारे दे रही है कि नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, क्या ऐसा मान रहे माना जाए, ये इशारे नहीं है ऐसे? सना जी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये अलायंस को रिस्ट्रिक्टेड जम्मू कश्मीर तक तो है नहीं, ये अलायंस जिस तरह गुप्ता साहब ने कहा जम्मू कश्मीर तक नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जैसे पीडीपी ने अभी सीधे अल्फाज में कह दिया कि आप इसको उल्टा भी कर सकती हैं, तो इसके माने क्या निकाले जाए? मुझे ये तो पता नहीं गुप्ता साहब ने वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन एक चीज जो मेरी समझ में आती है, सर मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ये एक चीज जो मेरी समझ में आती है कि ये एक प्रपोजल जो है ये अगर थ्रू भी हो जाता है जी, तो ये एप्लीकेबल सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा, ये थ्रू आउट कंट्री होगा, और हो सकता है इसमें कल चेंज हो, अभी फर्स्ट मीटिंग हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, पर तो ये अगर एप्लीकेबल हो जाता है मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एक सेकंड के लिए, अगर एप्लीकेबल हो भी जाता है तो पीडीपी क्या ये कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी? नहीं होगी ना, तो क्या ये नहीं लगता कि इंडिया अलायंस के सामने ये बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली आने वाले दिनों में, जब आप लोग आपस में ही लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े काज के लिए कोई भी पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल हो, या चाहे वो बीएसपी हो, कोई भी पार्टी इस इतने बड़े लार्जर काज के लिए एक दो सीट पर इतना बड़ा कोई इख्तलाफ करेगी, मुझे लगता नहीं है। ठीक, बहरहाल मैंने कहा ये एक राय है, दूसरी में एक दो चीजों का जवाब दे लूं आपको सना जी। जी, ये जो इनकी खुशफहमी है ना कि ये जो गठबंधन है इसका कोई इकोनॉमिक कोई आइडिया नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, वट एवर मे बी द वर्स्ट कम वर्स्ट इट विल बी बेटर देन बीजेपी। ठीक, और दूसरी बात ये जो गुपकार अलायंस की इन्होंने बात बीच में लाई, गुपकार अलायंस किसी इलेक्शन के लिए है ही नहीं है, फॉर ऑल द टाइम्स टू कम जितनी भी पार्टीज हैं जिनकी आइडियोलॉजी एक है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत हुआ, वो चाहे इलेक्शन अलग अलग भी लड़ेंगे लेकिन इस महाज पर वो इकट्ठे रहेंगे। गुपकार अलायंस किसी इलेक्शन की ना तो पेशे नजर बना, ना किसी इलेक्शन को देख कर बना, वो अलायंस जो है वो एक पर्पस के लिए है, वो अलायंस बाकी रहेगा। ये भी इनकी जो खुशफहमी है ये अपने दिल से निकाल दें कि गुप्तकार अलायंस जो है वो टूट जाएगा। आदित्य साहब, गुप्तकार अलायंस अगर इलेक्शन अलग अलग भी लड़े एनसी को एक्सप्लेन करना भी चाहते हैं आप? हाँ ठीक है, एक सेकेंड मुजफ्फर साहब, रोकूंगी आपको जी। ऐसा है कि मैम दो चीजें जो मैंने आपको बोला था कि आप दिवस किसी और सेंस में भी पूछ सकती हैं, तो आप ये भी पूछ सकती थी कि व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, हाउ इज द अलायंस गोइंग टू गो फॉर इट, रादर देन क्वेश्चनिंग द वेरी फैक्ट कि पहला स्टेप जो आपने रखा है वो आपने टेढ़ा रखा है। फैक्ट ये है कि इसके अंदर डेलिब्रेशन में कैंडिडेट पोजिशनिंग होती है, देयर आर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन इंडेक्स कैसे हुआ, डिलिमिटेशन हुई है काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो अलग अलग फैक्टर्स है जिसको कंसिडर करते हुए अल्टीमेटली किया गया। सो आई सेकेंड व्हाट मिस्टर मुजफ्फर जस्ट सेड कि हमें दीज आर स्टेप फॉरवर्ड्स फॉर दी अलायंस। अब वापस आता हूं मैं पठानिया साहब की तरफ। पहली बात यह है कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग इतने ही इनके डेटा के हिसाब से इंडिया अलायंस इतना ही पीछे है जी। तो बीजेपी पार्टी जो है जो हम जो
इतनी बौखला क्यों जाती है? कभी भारत इंडिया की कंट्रोवर्सी खड़ी कर देती है। आप खुद सोचें कितनी शर्मनाक बात है कि इंडिया के नाम को इन्होंने घमंडिया में शिफ्ट करने की कोशिश की है। मतलब कि इट इज सो सच अ सॉरी थिंग टू हियर एंड लेट पीपल हियर ऑन नेशनल टीवी। आई थिंक ये एक्सपेक्टेड एटलीस्ट पठानिया साहब से नहीं था, बट ये वही है ना कि एक किस्म का एक इन्फ्लुएंस है बीजेपी के अंदर चलता हुआ जो तबाही कर गया ऑफ माइंडसेट ऑल्सो दैट द पॉलिटिकल यूनिट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज हु रिप्रेजेंट द पीपल आर कॉल्ड बाय सच डेरोगेटरी नेम्स एंड सच सॉरी फिगर सच सीजन पॉलिटिशियंस एमएलए रहे हुए हैं, प्रवक्ता हैं, सच सॉरी फिगर। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी इतनी घबरा गई हुई है इंडिया अलायंस से कि आप खुद देखें, इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन के लिए स्पेशल सेशन बुलाया और वुमेन रिजर्वेशन में कहा कि उसके अंदर इफ्स एंड बट्स इतने हैं कि दो कि तीन या चार साल बाद लगेगा। ये घबराहट ही है टू ल्योर इन वोटर्स कि आप एक तरफ से आप वुमेन रिजर्वेशन दे रहे हैं और दूसरी बारी कह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन आपको मिलेगी जी चार साल बाद या पांच साल बाद बिकॉज देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। तो ये दिखाता है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी कितनी घबरा गए हुए हैं। और पठानिया साहब के पास ही हैज नो मॉरल हाई ग्राउंड एटलीस्ट टुडे टू शाउट इन बिटवीन बिकॉज ही हैज नॉट ओनली इंसल्टेड द नेम इंडिया बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन कि अपनी वो अपनी उस मानसिकता के साथ इतना भूल गए हुए हैं कि इंडिया इज द नेम ऑफ आर ग्रेट नेशन। जितना भारत इंपॉर्टेंट है उतना ही इंडिया है। ठीक है एंड सच अ सॉरी थिंग टू हियर फ्रॉम मिस्टर पठानिया। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन टू द फैक्ट दैट ही हैज सेड इट इन दैट मैनर। ये अव्वल रोज से कहना है, जब से भारत और इंडिया की कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई या फिर इस इश्यू को तूल दिया गया उसी वक्त से आयुष पठानिया साहब विपक्ष की तरफ से कहना है कि आखिर ये हुआ यूं क्योंकि ये तमाम जो अलायंस एक साथ आए हैं, घटक दल एक साथ आए हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर एक साथ आए हैं, महागठबंधन बना है, तो ये बौखलाहट का शिकार हुई है भाजपा, इसी वजह से इन्होंने ये इश्यू उठाया। ये अव्वल रोज से विपक्षी दलों की तरफ से कहा जाता है। और एक सवाल और आदित्य साहब ने खड़ा किया है कि जो आपने डेटा दिया है अगर उसको माने भी और जो डेटा है एक्चुअल उनके मुताबिक वो आपको कोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए और आप लोग परेशान हैं। जी मैं ये तो स्टैटिस्टिक्स कह रहे डेटा नहीं कह रहे, लेकिन मैं एक बार जरा क्लेरिफाई कर दूं इस सारे परिपेक्ष पे। इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान का ओपनिंग आर्टिकल 1 है। फिर इशू क्यों 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 खड़ा किया? नो इशू एट ऑल, नो इशू। सर आई थिंक अपफ्रंट यू शुड अपोलोजाइज व्हाट यू द वर्ड यू यूज्ड अपफ्रंट यू शुड अपोलोजाइज और बाय कोटिंग इट सच अ वे क्योंकि आप इंडिया के इंसल्ट करते हैं। हम समझते हैं आपको नहीं पोलिटिकल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की आइडिया है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपको यू शुड अपोलोजाइज फर्स्ट दैट सी आई एम सॉरी दैट आई मिस्ड द नेम इंडिया इन द रॉन्ग वे। घोखले विषय नहीं, आपको यू शुड कीप अ टैप ऑन योर ऑन द वे यू टॉक। नो नो आई हैव अ स्ट्रांग केवी टू व्हाट ही हैज सेड। लोग इन्हें घमंडी अलायंस कहते हैं, यार घमंडी अलायंस में किस तरीके से कंफ्यूज्ड पैक के तौर पर बिहेव किया सर, ये सबको पता है। आईटी सेल किस तरीके से नाम जनरेट करता है, आपको श्रद्धा नहीं देता सर, ये आपको शोभा बिल्कुल नहीं देता जो बात आपने कही है। मेरा बात ये है, लोगों के संपर्क के साथ, लोगों के समन्वय के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बीजेपी वाले भूल गए कि आपको किसके बारे में क्या बोलना है। फिर रिपीट करूंगा, I thought that problem was limited only to one of your leaders here, जो युवा राष्ट्रीय सभा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, but this has become your problem also now. And the result is that the chariot will not move forward, it will come backward. इस देश के लोग, भारत के लोग, इंडिया के लोग राजनीतिक स्थिरता चाहते हैं, एक पैन इंडिया कार्यक्रम चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आउट विथ अगर आपने उनके उनका मुकाबला करना तो पैन इंडिया कार्यक्रम लेके आए कि आपका महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसी के लिए। सर आप लेकर आए थे पिछली बार 15 लाख रुपए सबके खातों में आएगा, मोदी जी ने अगर बात वैसा प्लान आपको चाहिए, वी विल कम विद इट, डोंट वरी, दैट इज आवर जॉब। के लिए या साउथ के लिए आप बताइए आपने 10 साल में क्या कमाल किए हैं? कोई डेवलपमेंटल कार्यक्रम नहीं है। मैंने कहा अगर मैं आपको गिना दूं तो हमारे सबसे बुरी हालत हो गई इकॉनमी की। ये नफरत क्यों करते हैं हमारे साथ इतनी? अरे भाई लोगों के वोट से बने हैं हम, क्योंकि आप देश के अंदर नफरत फैलाते हैं इसलिए हम आपको नफरत करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी को नफरत करते हैं, आपको आपका व्यक्ति विशेष को नहीं। आपने अंडरस्टैंडिंग करके लड़ा आयुष पठानिया साहब जी, देखिए वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने कहा कि नफरत क्यों करते हैं हमसे। आदित्य गुप्ता साहब का सीधा कहना है कि आपसे नफरत नहीं क्योंकि आप
की आइडियोलॉजी, आप प्रीच करते हैं नफरत की हिंदुस्तान में, लोगों के अंदर नफरत बनाते हैं, इसलिए व्यक्ति विशेष के तौर पर वो कह रहे हैं कि नफरत नहीं बल्कि लोगों में जो नफरत फैला रहे हैं उसके खिलाफ। देश के लोग वोट डालते हैं हमको, चोर दरवाजे से तो आते नहीं, पूरे देश के लोग। सर जो सरकारें बनती है वो भी तोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव डन। ये आपने मध्य प्रदेश में किया, ये आपने महाराष्ट्र में किया, ये आपने गोवा में किया, यही तमाशा आपसे दिल्ली कांग्रेस ने, आप दिल्ली में वोट नहीं ला सकते, आपने उस तरीके से रिवर्स किया। जम्मू कश्मीर की हालत देखिए आपने क्या की हुई है। तो जम्मू कश्मीर आपके एमजी साहब कहते हैं कि यहाँ पे वो इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जहाँ नफा नुकसान और अपनी मनचाही सीटों को लेकर तमाम रियासतों में यूटीज में अपनी अपनी राय क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से रखी जा रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी में इंडिया के। उसी में एक मुद्दा उमर अब्दुल्ला की तरफ से उठाया गया कि इस तरह किया जाना चाहिए, और उन्होंने आज कल फिर से कहा कि मैं अपने उसी बयान पर और उसी राय पर कायम हूं। मानना ना मानना ये इंडिया गठबंधन की बात है, वो माने या ना माने, लेकिन मेरी जो बात थी, मेरी जो राय थी वो मैंने सामने रख दी है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है, या फिर कुछ और सोल्यूशन इंडिया गठबंधन की तरफ से इस इन रायों पर निकाला जाएगा आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मकसद एक है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना। तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि जब वो शुरुआत में ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एक साथ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो आगे क्या वो बीजेपी को हराएंगे। बहुत शुक्रिया आयुष पठानिया साहब आपका, आदित्य गुप्ता साहब आपका, मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए न्यूज 18 JKLH। नमस्कार। गुलाब जामुन गरम कर रहा है।